नमस्कार दोस्तों टेक्निकल ऋतिक बॉस चैनल में आप सभी का लोग का स्वागत है आज मैं अभिरंजन कुमार आप लोग के लिए फिर एक नए वीडियो ले हाजिर हुआ हूं जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो सी लेने के लिए परेशान रहते हैं और वो कंपनी की तलाश में रहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सी मिलता कैसे है और हमें कहाँ से मिलेगा कौन दिलाएगा तो ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आज कहाँ से मिलता है और इसमें कैसे काम करना होता है तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए हमारा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई अगर मेरा चैनल मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे ऋतिक टेक्निकल ऋतिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरा आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे को सेंटर खोलने के लिए क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ता है तो सबसे फर्स्ट चीज़ होता है दोस्तों लैपटॉप जो कि एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए अच्छा सा मतलब कहने का मतलब यह है कि ठीक ठाक होना चाहिए ऐसा भी नहीं मैं बोलूँ बोल दूंगा पहले ही कि आपको एक लाख रुपये का लैपटॉप लेना पड़ेगा या दो लाख रुपये का लैपटॉप लेना पड़ेगा तो वैसा कुछ नहीं है एक पैंतीस चालीस हज़ार रुपये का आपको आई थ्री आई थ्री या आई फाइव इस तरह का लैपटॉप लेना होगा और दूसरा चीज़ है प्रिंटर और तीसरा नंबर पर आता है फिंगर प्रिंट स्कैनर तो फिंगर स्कैनर जब हम कोड लेते हैं उस समय हमें मिल जाता है तो पहले हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए लैपटॉप और प्रिंटर तो ये सामग्री होना चाहिए हमारे पास एक सी लेने के लिए चाहे वो किसी भी बैंक का लेना हो और उसके बाद रह गई फर्नीचर तो फर्नीचर हम खुद से बनवा सकते हैं हमारा जैसा भी अगर सेंटर मिलने के बाद हम फिर जैसा हमारा अपना मॉडल चाहे वैसा हम बना सकते हैं और अब रही बात हो कि इसमें पैसा कितना लगता है किस कंपनी से लेना है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो चलिए हम पहले देख लेते हैं दो तीन कंपनी को कि जो हमारा फ्रेंचाइजी देती है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया और एस बी ये सब सारे बैंक का देती है तो चलिए उसमें हम पहले देख लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कितना पैसा देना होता है पूरा हमारा टोटल इन्वेस्ट कितना जाता है और हमें कितना मिलता है तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक है सी एस पी बैंक मित्र जो ये कि जो कि मैं इसका देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है तो ये देख लेते हैं कौन कौन सा बैंक प्रोवाइड करती है तो देखिए यहाँ पे आ रहा है राज्य का लोकेशन पूछ रहा है और उसके बाद फिर बैंक का नाम आ रहा है तो ये दे रही है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये तीन बैंक प्रोवाइड कर रही है तो चलिए और आगे हम देख लेते हैं एक है हमारा बकरांगी जो कि बकरांगी एक बहुत बड़ी सी प्रोवाइडर है तो और इसके सारे इसके बहुत सारे सर्विस हैं तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं तो इसमें ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है हम ऑनलाइन फॉर्म नहीं डाल सकते हैं तो इनसे हमको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा तो हम देख लेते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ मिलता है तो ये सर्विसेज़ में हम जाएंगे देखिए यहाँ पे इन्होंने यह अपना सर्विसेज को बता रखा है क्या क्या इनके पास सर्विस है तो चलिए हम होम पे चल जाते हैं अबाउट है सर्विस है योर सर्विस है", है तो सर्विस में बी टू ए सर्विस हो जाती हो जाता है तो बी टू सी सर्विस में हम जाते हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विस आता है तो इसमें देख लेते हैं देखिए हमारा बी टू ए सर्विस खुल चुका है तो यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट यूजर्स है दोस्तों तो ये मुंबई न्यू दिल्ली गुजरात और लखनऊ पुणे तो इनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है तो हम मुंबई का नंबर लेते हैं इनसे पहले और ये देखिए मुंबई अहमदाबाद ऑफिस हो गया यहाँ पे कोलकाता ऑफिस हो गया लखनऊ हो गया न्यू दिल्ली हो गया पटना जोन देखिए यहाँ पे दोस्तों ये पटना जोन सॉरी पटना जोन का एड्रेस है पटना ऑफिस का फ्लॉट नंबर 203 बी आदित्य टावर सेकेंड फ्लोर <coughs> यहाँ पे इनको हम जाके मिल भी सकते हैं और <coughs> मिलने से पहले हम इनसे थोड़ा बात कर लेंगे कि आप अभी सर्विस ये सी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इनसे हम पहले बात करके जाएंगे ऐसा नहीं कि अगर हम गए और इनका भी मतलब कि ऐसा हो गया कि अभी हमारा सर्विस सी एस पी अभी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें इन लोग सर्विस सी एस पी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये चीज़ हो गया दोस्तों तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप इनके साइड से ले सकते हैं अगर कॉन्टेक्ट नंबर इनका नहीं मिल पाता है तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में डालें मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा और चलिए अब हम दूसरी कंपनी देख लेते हैं दो कंपनी हमने देख लिया अब तीसरी कंपनी देख लेते हैं तो तीसरी कंपनी देखिए आपको गूगल पे दिखा देता हूँ एन आई सी टी देखिए एन आई सी टी एक कंपनी है ये ये भी आपको सी एस पी प्रोवाइड करती है सभी बैंक का तो ये सब बहुत बड़ी कंपनी है एन आई सी टी तो इससे भी आप सी एस पी ले सकते हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ और इनसे कांटेक्ट करें इनका भी देखिए कॉन्ट्रेक्ट टीजर है तो इनका ये रीज़न है कि आप इनको फ़ोन करिए देखिए आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है दोस्तों देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है तो आप और मेल आईडी भी दिया हुआ है तो आप इनको मेल भी कर सकते हैं या फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं हालांकि इन लोग तो फ़ोन जल्दी नहीं रिसीव करते हैं तो आप इनको मेल करिए तो चलिए दो कंपनी हो गया और दोस्तों एक अब हम तीनों में कंपेयर करेंगे कि तीनों में हमारे पैसे क्या क्या लेते हैं तो देखिए दोस्तों ये जो बकरांगी कंपनी है ये बकरांगी कंपनी हमसे बहुत पैसा लेती है पैसे सबसे हाईएस्ट पैसा लेने वाली हमारी बकरांगी कंपनी है तो बकरांगी कंपनी तो पैसे लेने में सबसे ज़्यादा है लेकिन सर्विस भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है बकरांगी का क्या है दोस्तों कि चलिए हम पहले बकरांगी का आपको बात कर लेते हैं इसी तरह हमसे आपसे के साथ हम तीनों कंपनी की बात करेंगे कि जो कि तीनों क्या क्या पैसे लेती है तो पहले हम फिलहाल बकरांगी की बात कर लेते हैं तो बकरांगी बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी देने में करीब करीब दो से ढाई लाख रुपया देती है ये अपना पूरा सेटअप देती है यानी इसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना है लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी हो ये पूरा आपको सेटअप देती है सेटअप का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों यानी आपको उसमें एक रुपया नहीं इन्वेस्ट करना है सिर्फ आपको रूम रेंट ही देना होगा बाकी जितना भी फर्नीचर है लैपटॉप है डेस्कटॉप है काउंटर है वो सारा आपको बकरांगी प्रोवाइड करेगी और साथ में ये दोस्तों अपना माइक्रो ए लगाएगी जो कि सभी बैंक का पैसा विडोबल कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा ज़्यादा पैसे हैं तो आप बकरंगी से ले सकते हैं अगर आपके पास कम पैसे में अगर करना चाहते हैं तो हमारा ये एन जो आपको बताएं नेशनल नेटवर्क फॉर फाइनेंशियल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आप इससे भी ले सकते हैं और ये एक सी बैंक मित्र है दोस्तों जो कि हम यहाँ पे ऑनलाइन उनको आवेदन कर सकते हैं और दोस्तों एक आपको और बहुत अच्छी कंपनी बताएंगे जो इन तीनों से वेस्ट कंपनी है सबसे अच्छी कंपनी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और पैसे के मामले में भी पैसे बहुत कम लेती है वो जितनी भी कम जितनी भी सी एस पी फाइन देने वाली कंपनी है सबसे कम पैसे ले से में वो प्रोवाइड करती है तो और उसको मैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा और उसका भी फॉर्म फिलअप करूंगा तो चलिए सी एस पी बैंक मित्र के लिए मैं आवेदन कर लेता हूं तो ये देखिए लोकेशन में आ जा रहा है गया ये सब ये सब फिल हो गया पता नहीं कैसे कैसे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है लोकेशन में कैसे कैसे आ गया सारा लोकेशन आप जहाँ से लेना चाहते हैं वहाँ डाल दें और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी बैंक आप लेना चाहते हैं उसको फिल कर दें और अपना राज्य का नाम डाल दें और एक काम का अनुभव बताइए इसमें पूछ रहे हैं ईमेल आईडी अपना दें ईमेल आईडी सही सही दें दोस्तों ताकि इनको कांटेक्ट करने में इन लोग ज़्यादातर ई मेल आई से ही कॉन्टेक्ट करते हैं और ये मोबाइल नंबर हो गया और क्वालिफिकेशन आपका जो है ऐसे तो ये मैट्रिक लिख रहे हैं नॉन मैट्रिक लिख रहे हैं लेकिन नॉन मैट्रिक पे आपको नहीं देंगे ये कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए और ये आपका कैटेगरी पूछ रहे हैं और जेंडर में आप जो भी हैं मेल फीमेल वो डाल दें डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दें वर्क एक्सपीरियंस डाल दें और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दें देखिए कहाँ से टाइप हो गया विलेज गांव पंचायत और अपना यहाँ पिन कोड डाल दें और जिला और राज्य पिन कोड और उसके बाद नॉर्मल से सबमिट कर दोस्तों ये सबमिट करने के बाद उनके पास से आपका स्टेटमेंट चला जाएगा वो फिर आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे अगर कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो आप इनको कॉन्टेक्ट यूजर नेम और ईमेल आईडी फोन नंबर और यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे और देखिए यहाँ पे फोन नंबर भी इनका दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी इनका दिया हुआ है जो कि आप देख सकते होंगे चलिए ये दो कंपनी हो गई दोस्तों अब मैं तीसरी कंपनी के बारे में बात करूंगा तो इनके बारे में हमें पता नहीं है सी CS, सी एस पी बैंक मित्र ये पैसा क्या लेते हैं लेकिन बकरांगी के बारे में मुझे पता है कि ये दो से ढाई लाख रुपये में सेटअप देते हैं और ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कंपनी है ये भी आपको पच्चीस से तीस हज़ार में ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगी लेकिन ये आपको सिर्फ कोड देगी दोस्तों बाकी का जो भी इन्वेस्टमेंट करना होगा वो अपना खुद करना होगा अब चलिए एक और कंपनी है आई सेट देखिए आई आई सेट <coughs> उसका कुछ है, इस तरह से इंटरफेस है दोस्तों तो आप लोग इसमें लोकेशन अवेलेबल इनका भी सर्विस सी एस पी प्रोवाइड करने के लिए अपना भी ये वेबसाइट दे रखे हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप अब जब करेंगे सॉरी अप्लाई पे करेंगे तो आप अपने यहाँ से लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि आपके लोकेशन में सी एस पी है कि नहीं तो वहाँ पे आप किस बैंक का लेना चाहते हैं तो देखिए इनका बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया सॉरी बैंक ऑफ़ इंडिया है बैंक ऑफ बड़ौदा है और <coughs> मध्यांचल ग्रामीण बैंक है तो चलिए इनको मैं अप्लाई कर देता हूँ मैं स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए करता हूँ उसके बाद देखिए ये विलेज कुछ इनका सर्वर में प्रॉब्लम है देखिए तो यहाँ पे इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है तो आप इनका ईमेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं एसबीआई के लिए अलग है इनका ईमेल आईडी और ये देखिए एमजीबी के लिए अलग है और बीओबी के लिए अलग है जनरल के लिए आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों देखिए जो कि मैं आपको थोड़ा और इसको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ देखिए देखिए और ये देखिए ये यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और अगर मिलने में अगर सी एस पी आपको कहीं से परेशानी हो रही है दोस्तों तो मेरे को भी कमेंट बॉक्स में डालें मैं आपको सी एस पी दिलवाने में बहुत हेल्प करूँगा तो ये हो गई चार कंपनी की बात कि हम चार कंपनी हो गई जो सी एस पी प्रोवाइड करती है अब इसमें मैं तुलना करता हूँ कि इसमें सबसे बढ़िया कंपनी कौन है तो चलिए हम उसको देख लेते हैं तो जैसे मेरा जो अनुभव है दोस्तों वो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। जो फिर उसके बाद आप देखें कि से आपका कैसा अच्छा लगता है तीन चारों कंपनी से आप बात करके देख ले उसके बाद आपसे जिससे अच्छा लगे उससे आप ले सकते हैं सी तो देखिए मैं यहाँ पे ये तो आईसेट हो गई और ये हमारा ये आईसेट है तो मैं आपको दोस्तों ये सलाह दूंगा कि आप एन से लें क्योंकि एन का सर्विस बहुत अच्छा है दोस्तों तो आप एन से ही लें मेरा ऐसा मानना है कि एन से लें बाकी आपके ऊपर है दोस्तों कि आप किससे लेना चाहते हैं और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप सी लेना चाहते हैं तो अभी 2018 के रूल के अनुसार आपको आई का एक एग्ज़ाम देना होगा जो एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपको कोड मिलेगा तो ये कोड लेने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है करीब करीब आपका 20 से 25 दिन में भी कोड आ जाता है तो आप आराम से 20 से 25 दिन में अपना काम शुरू कर सकते हैं और आई आई बी एफ एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है आई आई बी एफ के नाम से मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा आप वहाँ से जाके आई आई बी एफ के लिए आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं अगर आई 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 बी एफ आप अगर एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको सी एस पी कोड मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तो आज के लिए इतना ही थैंक्स